नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप, मैं अवधेश। कोरोना जो न कराए कम है, भक्तों और भगवान के बीच दीवार खड़ी कर दी है और भगवान को ही अब भक्तों के लिए आइसोलेट होना पड़ा है। स्थिति बेहद शोचनीय है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि ये समय समझदारी से बर्ताव करने का है। इसलिए देश के धार्मिक संस्थानों पर ताला लगाया गया है ताकि लोग कम जुटें। वैष्णो देवी भी ऐसे संस्थानों में शुमार हैं जहां पूरे साल करोड़ों भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरावालिये, मैं आया शेरावालिये। माता रानी के दरबार से दूर हुए भक्त, वैष्णो देवी की राह में हुआ सन्नाटा। मां के जयकारों पर लग गई रोक, भक्तों की मुराद में रोड़ा बना कोरोना। किसी को भी यकीन नहीं हो सकता एक वायरस भक्ति की राह में खड़ा कर भगवान का रास्ता भी रोक लेगा, लेकिन कोरोना के चलते अब भक्त अपने भगवान, अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सकेंगे। भीड़ न हो इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। इसे देखते हुए माता वैष्णो श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को आने से मना कर दिया है। 1986 के बाद ये पहला मौका है जब श्राइन बोर्ड बनने के बाद यात्रा को रोका गया हो। देखें, जो कि पूरी प्रीवेलिंग सिचुएशन बनी हुई कोरोना वायरस की वजह से, इसमें श्राइन बोर्ड ने अपने डिफरेंट लेवल से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। जो सिचुएशन जितनी होती जा रही थी, इस पर ये डिसीजन लिया गया कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को आज से बंद किया गया है। सरकारी आदेश के तुरंत बाद श्री माता वैष्णो की यात्रा पर्ची रोक दी गई। जिन यात्रियों को यात्रा पर्ची मिली, केवल उन्हीं यात्रियों को भवन के लिए जाने दिया गया। हालांकि यात्रा करने आए भक्त परेशान जरूर दिखे। पर्ची नहीं है, मिलेगी, यात्रा रद्द हो गई है। आप गए थे पर्ची लेने? पर्ची वहां काउंटर बंद हो गया। स्पीचलेस, कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। बहुत ज्यादा ही अपसेट है मूड। मन तो कर रहा है चले जाए, बट अलाउ ही नहीं है बिना पर्ची के। जो भी है, लेकिन सच यही है कि भगवान को वायरस से खतरा नहीं, लेकिन जब उन्हें भक्तों को बचाना है तब वो अपने दरबार में बुलाकर नहीं, खाली करके ही बचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और सिर्फ माता रानी के दरबार में ही नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के दरबार में भी घोषित कर्फ्यू लग चुका है। भक्तों को प्रवेश से रोक दिया गया, मंदिर पर ताले लग गए। भक्त बेचैन है, लेकिन उनकी बेचैनी अब सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न उनके जीवन का है। उत्तर भारत के सबसे पुराने और विशाल मंदिर पर कोरोना संकट। भक्तों के लिए बंद हुए भगवान राम के द्वार। ये सच है कि भगवान को भक्तों से कोरोना का कोई संकट नहीं, लेकिन भक्तों को बचाने के लिए भगवान से उन्हें दूर किया जा रहा है। इसी फैसले के तहत जम्मू कश्मीर में पड़ने वाले श्री रघुनाथ जी के मंदिर को बंद करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के पीछे सरकार के उन आदेशों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले का मकसद सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है ताकि लोग एक साथ कहीं इकट्ठे ना। सरकार के इस फैसले का असर यह है कि भक्तों को मंदिर में तो प्रवेश नहीं मिल रहा, लेकिन वो मंदिर के बाहर से ही मत्था टेक कर भगवान से आशीर्वाद लेने से नहीं चूक रहे। मंदिर को बंद करने का फैसला भक्तों को भी समझ आ रहा है, वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो बंद है, कल खुला था। कल खुला था जी। तो आप बाहर से ही अब मत्था टेकेंगे जी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि अयोध्या में कोरोना को देखते हुए कई एहतियाती कदम यूपी सरकार ने भी उठाए हैं। 25 मार्च को यहाँ रामनवमी पर होने वाले कार्यक्रम को लाइव प्रसारित करने का फैसला सरकार ने किया है।
सभी सरकारों का मकसद लोगों की भीड़ को रोकना है। कोई भी आयोजन जिसमें लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है उसे रद्द किया जा रहा है ताकि लोग इस फैसले का मकसद समझें और घर पर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और सिर्फ वैष्णो देवी का मंदिर नहीं, मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में भी तालाबंदी कर दी गई। यहां पर भक्तों का प्रवेश पूरी तरीके से रोक दिया गया। वजह है कोरोना, जिसके संक्रमण का खतरा सरकार के आदेश पर टाला गया है। आदि देव गणेश जी भी हुए भक्तों से दूर, सिद्धि विनायक का दरबार हुआ खाली। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार सावधानी बरतने पर जोर दे रही है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिस बात की कोशिश की जा रही है उसमें है भीड़ रोकना। सरकार का ध्यान है कि सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की हो कि एक जगह पर ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। यही वजह है कि मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल बंद कर दिए जा रहे हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को भी इसी फैसले के तहत बंद कर दिया गया है। बप्पा का आशीर्वाद अब घर से भक्तों को मिलेगा। बाहर से दर्शन ले, बाहर से दर्शन हम लोग ले रहे हैं, उनकी कृपा है। चाहे बाहर चले चाहे अंदर से बातें की, पता नहीं था, पता नहीं था, इधर आया तो पता चला कि आज बंद है। अच्छा, तो आप बाहर से दर्शन ले रहे। बप्पा के दरबार में नहीं मुरादों वाली हाजिरी लग सकेगी, क्योंकि बप्पा के दरबार में भक्तों के आने पर मनाही है। जो भी हो, लेकिन सच यही है कि भक्तों को बचाने के लिए भगवान को उनसे दूर रखा जा रहा है। कोरोना के चलते ये दीवार वक्त ने खड़ी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं कृष्ण भक्तों के लिए भी सरकार का फैसला उनके भक्ति के कदम को घरों तक रोकने वाला है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने अपने सभी मंदिरों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। दूसरे मंदिरों की तरह इस फैसले के पीछे भी भक्तों की भीड़ को रोकने का मुद्दा है। ताला ताला ताला। दुनिया में महामारी के तौर पर पैर पसार चुके कोरोना का आतंक भगवान की दहलीज पर भी है। यहाँ भी भगवान के सामने कोरोना का संकट खड़ा हो गया है, और इस संकट से भगवान को बचाने से ज़्यादा भक्तों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी को देखते हुए इस्कॉन प्रशासन की तरफ से देश भर में मौजूद अपने कई मंदिरों को बंद करने का फैसला किया गया है। नोएडा का इस्कॉन मंदिर गुरुवार से भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश 31 मार्च तक बंद रहेगा। सिर्फ नोएडा ही नहीं, मथुरा वृंदावन में भी कोरोना वायरस के चलते इस्कॉन मंदिर को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। मंदिर में बाहर के श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी है, केवल मंदिर के पुजारी ही अंदर रहेंगे। इस निर्णय के बाद मंदिर प्रबंधन ने अंदर रहने वाले पुजारियों को भी हैंड बैज लगाने का निर्देश दिया है। मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए मंदिर के अध्यक्ष पंच गौड़ा दास ने एक और बैठक बुलाई, जिसमें इस्कॉन मंदिर के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। मंदिर में ब्रह्मचारी ठाकुर की पूजा अर्चना व ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करने वाले मंदिर के अंदर ही रहेंगे, जिससे कि ठाकुर जी की सेवा अनवरत रूप से जारी रहे। सारे दर्शनार्थियों के लिए आज से मंदिर को बंद कर रहे हैं, कोरोना वायरस को देखते हुए, सुरक्षा नियमों को पालन करते हुए जो सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें हमने इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया है कि अंदर से जो भी ब्रह्मचारी अंदर रहेंगे वो अंदर ही रहेंगे। 31 मार्च तक वो भी बाहर नहीं जा सकते, और बाहर से कोई श्रद्धालु हो चाहे टेम्पल डिवोटी हो वो भी अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ यूपी के ही नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी मंदिर को बंद करने का फैसला किया गया है।
बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर को कोरोना वायरस के डर की वजह से अगले नोटिस तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। बहरहाल मंदिर बंद होने का असर भक्तों पर तो पड़ेगा, लेकिन सच ये भी है कि ये फैसला उन्हें कोरोना के खतरे से बचाएगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर समेत कई मंदिरों को बंद करने का फैसला किया जा रहा है। यहां मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए लोगों को रोका जा रहा है। सिर्फ लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के साथ साथ समूची दुनिया में विख्यात मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में भी ताला लग गया है। कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए राजधानी लखनऊ में प्राचीन शिवालय मनकामेश्वर मंदिर के कपाट 24 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 19 मार्च को दिन में 12 बजे पूजन के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इसकी वजह से मंदिर आने वाले भक्तों को मायूस होकर लौटना पड़ा। मनकामेश्वर मंदिर की महंत के मुताबिक मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त यहाँ आते हैं, जबकि आम दिनों में उतनी संख्या नहीं होती। यहाँ आने वाले भक्त मंदिर के रेलिंग, गेट सबको हाथ लगाते हैं। इसके अलावा दान पात्र में नोट और सिक्के डाले जाते हैं, जिनसे वायरस का खतरा बढ़ता है। इसे देखते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 24 मार्च तक हालात नहीं सुधरे तो कपाट आगे भी बंद रखे जाएंगे। कोरोना वायरस से बचाव को देखते हुए मनकामेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। आज दोपहर 12 बजे पूजन अर्चन के बाद मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है और ऐसा इतिहास में पहली बार है। किसी को याद नहीं कि इससे पहले कब अनिश्चित काल के लिए मंदिर के कपाट बंद किए गए हों। हमारे साथ में इस समय मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। महंत जी, ये बताइए कि मनकामेश्वर मंदिर, यहाँ पर हजारों की संख्या में रोज भक्त आते हैं, इसके कपाट फिलहाल कब तक के लिए बंद किए गए? आज हम लोगों ने अपराह्न 12 बजे पूजन अर्चन करके पट बंद कर दिए थे और संभावना ये व्यक्त की कि अगर 24 तक माहौल सब शांत रहता है, जैसे मरीज की संख्या नहीं बढ़ती है या सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, तो हम लोग 25 को, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट है, तो हम लोग पट खोल देंगे। अगर पेशेंट्स की संख्या अधिक हो जाती है और काबू की स्थिति में नहीं रहती है, तब 31, नहीं तो उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। नवरात्रि में अगर आप मिर्जापुर स्थित सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आना चाहते हैं तो मत आइए। 20 मार्च को भोर में मंगला आरती के बाद कपाट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये निर्णय श्री विंध्य पंडा समाज के आम बैठक में गुरुवार को लिया गया। नवरात्रि 25 मार्च से आरंभ हो रहा है। 18 तारीख को हुई बैठक में केवल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगी थी। नवरात्रि मेला के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों से भक्त माँ विंध्यवासिनी दरबार में आते हैं। इनकी संख्या प्रतिदिन लाखों में होती है। कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए अब मंदिर को ही बंद रखने का निर्णय किया गया है। प्रतिदिन पुजारी श्रृंगार व पूजन के बाद कपाट बंद कर देंगे। झांकी से भी भक्तों को दर्शन नहीं मिल पाएगा। मंदिर पूरी तरह बंद रखने का निर्णय देश और समाज हित में लिया गया है। हालात को देखते हुए मंदिर खोलने का निर्णय लिया जाएगा। ये राष्ट्रहित में जो कोरोना का संक्रमण का बीमारी का उछल रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक मंदिर 24 घंटे के लिए बंद रहेगा। केवल श्रृंगार पूजन के लिए खुलेगा और उसके बाद जो है जब तक 2 अप्रैल तक तो मान के ही चलिए। कोरोना को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को लगातार बंद किया जा रहा है। बंद करने की वजह साफ है, वायरस के संक्रमण को रोकना। भगवान चाहेंगे तो भक्तों पर कोई कष्ट नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार चित्रकूट में भी मंदिर प्रशासन के आदेश पर बंद कर दिए गए और यहां के होटल, लॉज और धर्मशालाओं को भी खाली कराया जा रहा है। वजह है कोरोना से होने वाले खतरों को रोकना।
मंदिर और प्रशासन के साथ खड़े इन संतों का मकसद उस फैसले पर अमल है जिसे लेकर समूची दुनिया फिक्रमंद है। बात कोरोना वायरस की है इसलिए कोताही का सवाल नहीं उठता, लिहाजा प्रशासन के साथ संत खड़े हैं। दरअसल चित्रकूट प्रशासन ने सभी मठ मंदिर में ताले लगवा दिए हैं, इसके साथ ही सभी होटल लॉज और धर्मशाला भी खाली करवाने के आदेश दे दिए हैं। असल में चित्रकूट का इतिहास भगवान राम से जुड़ा है। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम ने लंबा समय यहाँ गुजारा था। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहे हैं, मंदाकिनी में स्नान कर कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना कर मनोकामना की पूर्ति करने की कामना करते हैं। चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल रामघाट, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा, भगवान का मंदिर के मुखार बिंदु मंदिर, सती अनुसुईया, हनुमान धारा और गुप्त गोदावरी, इन सभी स्थानों को पूरी तरह से आम लोगों के लिए दर्शन के लिए 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ भीड़ अधिक होती है अमावस्या मेला में, इस भीड़ को देखते हुए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है 31 मार्च तक सभी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं इसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश कर। संतों का मानना है कि ये पहला मौका है जब भगवान के पट इतने लंबे वक्त के लिए बंद किए गए हों। मतलब ऐसा नहीं हुआ है, केवल ग्रहण काल में मंदिर बंद होता है, और अभी तक मंदिर कभी बंद नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है मंदिर बंद कर। वैसे सच यही है कि भगवान के पट आम जनता के लिए मंदिरों को कभी इतने दिनों के लिए बंद नहीं किया गया, ग्रहण वगैरह पर कुछ घंटों के लिए मंदिर बंद करने की परंपरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। देश के जाने माने मंदिरों में शुमार शिरडी के साई मंदिर को भी बंद करने का फैसला किया गया है। यह मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया, यहां पर किसी भी तरह से भक्तों को गतिविधि के लिए इजाजत नहीं दी गई है। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी में सुना हुआ साई का दरबार, भक्तों के बिना बाबा हुए अकेले। कोरोना संकट के मद्देनजर फैसला, देश भर में पसरे कोरोना संकट को देखते हुए जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है उन पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। उन्हीं ठिकानों में से एक शिरडी का साईं मंदिर है जिसको भक्तों के लिए अनिश्चितकालीन समय तक बंद कर दिया गया है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, साईं प्रसादालय और भक्त निवास भी बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान मंदिर में प्रवेश की इजाजत किसी को भी नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करूंगा कि एज फार एज पॉसिबल मंदिर में आने का आप टाल सकते हो टालिए, यहाँ पे भीड़ ना कीजिए। जो हमारा रिकॉर्ड जो है उसमें 97 पालकियाँ आती है ऐसा रिकॉर्ड दिखाता है, तो सभी को हमने एक लेटर लिखा है, उसमें हमने यही कहा कि आप एज फार पॉसिबल पालकी स्थल न लाए तो अच्छा है। दरअसल साईं बाबा के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को कोरोना के प्रभाव से बचाने के लिए शिरडी साईं संस्थान ने साईं बाबा मंदिर अगले आदेश तक बंद कर दिया है, साथ ही भक्तों को रामनवमी के मौके पर पालकी लाने को भी मना कर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन दर्शन और मंदिर से होने वाला लाइव टेलीकास्ट जारी रहेगा, साथ ही शिरडी साईं संस्थान के कार्यालयों में कामकाज रोज की तरह चालू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो भगवान और भक्तों के बीच ये दीवार खड़ी हो गई है, लेकिन कोरोना के संहार के लिए ये दीवार जरूरी है। आप भी जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। एहतियात से कोरोना को मात, हाथ साफ तो कोरोना साफ, खुद को बचाएं।
दूसरों को भी रखें महफूज। दिल मिलाएं, हाथ नहीं। नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो।